बता दें कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा रोहतक के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर कई ऐसे कार्यक्रम रहे जहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा शिरकत की गई है। इसमें उन्होंने गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम में शिरकत की है। इस कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। इसके अलावा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कॉलेज में स्टूडेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला भी रखी है। इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने यह भी कहा कि हमारे देश और प्रदेश में आज प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बल्कि मौकों की कमी है और ये मौके हम खुद उत्पन्न करते हैं। शिक्षा हो, खेल हो, आज हर विषय में हमारे प्रदेश के बच्चों ने नाम रोशन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हमारे देश का श्रेष्ठ नेतृत्व आजाद भारत में पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी आजाद भारत में जन्मे हैं। कार्तिकेय शर्मा ने यह भी कहा कि जिस सोच के साथ स्वामी विवेकानंद ने भारत की परिकल्पना की थी, आज हमारा देश उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा आपको बता दें कि रोहतक के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में इस कार्यक्रम में शिरकत की है। कार्यक्रम में पहुंचने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कॉलेज में स्टूडेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के दौरान आधारशिला भी रखी और इस दौरान कार्तिकेय शर्मा ने यह भी कहा कि हमारे देश और प्रदेश में आज प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, मौकों की कमी है और ये मौके हम खुद उत्पन्न करते हैं। शिक्षा हो, खेल हो, आज हर जगह पर, हर फील्ड में आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश के बच्चों ने नाम रोशन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश का श्रेष्ठ नेतृत्व आज भारत में पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी आजाद भारत में जन्मे हैं। कार्तिकेय शर्मा ने ये भी कहा कि जिस सोच के साथ स्वामी विवेकानंद ने भारत की परिकल्पना की थी, आज हमारा देश उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें आप देखिए। रोहतक के दौरे पर है राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, गौड़ कॉलेज आगमन हुआ सांसद कार्तिकेय शर्मा का, फिर उनका भव्य स्वागत किया गया, मंच पर दीप प्रज्वलन हुआ, कार्यक्रम का आगाज हुआ, फिर कॉम्प्लेक्स जो कि यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए है, उसका शिलान्यास भी राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा किया गया। पौधारोपण करके भी संदेश राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा दिया गया और भारी भीड़ आप देखिए किस तरह से वहां पर उमड़ी हुई थी, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो रोहतक के दौरे पर हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, जहां पर कई कार्यक्रमों में आज उन्होंने शिरकत की है, उसी कार्यक्रम से जुड़ी हुई है तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। स्वागत समारोह की तस्वीरें हैं। कार्यक्रम में भी आपने देखा किस तरह से मौजूदगी थी, भारी भीड़ थी, पौधारोपण किया गया, यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा रखी गई। तो ये रोहतक में आज राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की मौजूदगी में इन कार्यक्रमों के अंदर शिरकत रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कही हैं। एक तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट हमारे देश में है, हमारे प्रदेश के बच्चों में है, मौकों की कमी है और ये अवसर हम खुद उत्पन्न करते हैं। हमारे जो प्रदेश के बच्चे हैं वो पूरे देश में, पूरे विदेश में आप देख रहे हैं, दुनिया में जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं और इसलिए टैलेंट को आगे बढ़ाने के ऊपर और ये जो मौके हैं वो उत्पन्न करने पर हमें फोकस करना होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि स्वामी विवेकानंद ने जिस भारत की जो परिकल्पना की थी, आज उसी परिकल्पना के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के द्वारा कही गई। तो कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि जिस सोच के साथ स्वामी विवेकानंद ने भारत की परिकल्पना की थी, आज हमारा देश उसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में आज जो शीर्ष नेतृत्व है वो आजाद भारत में पैदा हुआ है। ये कुछ बड़ी बातें जो कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कही। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि आज हमारे देश का शेष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप आजाद भारत में पैदा हुई है। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति हो, चाहे वो हमारे उपराष्ट्रपति हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो या स्पीकर हो विधानसभा के, पूरा का पूरा शेष नेतृत्व आजाद भारत में पैदा हुआ है। तो जिस परिकल्पना के साथ स्वामी विवेकानंद जी ने जिस भारत की परिकल्पना की थी, जिस सोच के साथ उन्होंने पूरे देश को, विश्व को भारत की बात रखी थी, आज मुझे गौरव है ये कहने का, मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कहने का कि आज हम उन्हीं पद चिन्हों में चल रहे हैं और आने वाले 25 साल जब हमारे देश के 100 साल पूरे होंगे तो हमारा देश एक विश्व
पावर के तौर पर, एक सुपर पावर के तौर पर उभर के निकलेगा। और उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है, जो आज आप देश के युवा है, जिसकी कमान आपके हाथ में। मैं कल एक कार्यक्रम में फतेहाबाद गया था और वहीं मुझे एक बच्ची मिली 24 साल की, उसका नाम था नीलाक्षी शर्मा। वो 24 साल की बच्ची वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर थी और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि युवा पीढ़ी के लोग आगे आ रहे हैं समाज में, समाज के अंदर हिस्सा देने के लिए, कंधा देने के लिए, ऐसे कामों के लिए जिससे आपको और हमें सरोकार है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे राजनीति हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे सरकारी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, शिद्दत से। मैं ये बात क्यों रख रहा हूँ आपके साथ, मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि हमारा फ्यूचर आने वाले 25 साल 30 साल के अंदर वो देश को चलाएंगे वे लोग आप हैं, आप बनेंगे फ्यूचर के निशान। वी आर लिविंग इन द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया सबसे युवा देश है। हमारी 65% आबादी 35 साल की इतने कम उम्र की है, ये हमारे लिए एक ताकत का स्रोत बन सकती है और कमजोरी है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे राजनीति हो, चाहे स्कूल हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे सरकारी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, शिद्दत से करिए, मेहनत से करिए। और मेरा आपको बस इतना ही एडवाइस है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप बहुत अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हैं और आपको इस मौके का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए उस फ्यूचर तरफ काम करना चाहिए जिस फ्यूचर की परिकल्पना हमारे फोर फादर्स ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।